हर रोज एक खोज, और चंडीगढ़ में एक खोज ये हुई है कि नेत्रदान करिए, अंगदान करिए, और इसकी पहल की है डायलॉग हाईवे ने, चंडीगढ़ के ग्रुप के सभी सदस्य और यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो मेरे साथ हैं, उनसे बात करें। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मैं, वनीता। वनीता जी, क्या कैसा क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैंने 1998 से अपनी वो भरा हुआ है और मुझे कार्ड आया आई टाइम्स आई वालों से, और अपना पीजीआई अपने बॉडी भी डोनेट की हुई है। विनीता जी ने तो अपना काम कर दिया अंगदान की घोषणा करके और नेत्रदान की घोषणा करके। आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? मेरा नेम मनीषा है एंड मैं एक टीचर हूँ एक प्राइवेट स्कूल में, और मैं इस डायलॉग हाईवे के साथ इसलिए जुड़ी हूँ ताकि मैं लोगों को सेंसिटाइज कर सकूँ कि हम लोग तो सब कुछ देख सकते हैं, लेट्स डू समथिंग फॉर द पीपल हु कैन नॉट सी। सो आई डोनेशन इज़ अ वेरी वंडरफुल आइडिया एंड आई थिंक एवरीवन शुड डू दैट। मनीषा जी का क्या संकल्प? आई वुड डेफिनेटली लाइक टू डोनेट माई इंटायर बॉडी। हो सकता है अगर मैं जीते जी किसी एक इंसान के काम ना आ सकूँ तो शायद मर के किसी और के काम आ सकूँ। सेक्टर 17 से निकला ये संदेश दूर तक जाएगा, और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर नेत्रदान और अंगदान करने की घोषणा की है। हमारे साथ हैं मैडम असेंद्र जी, पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा। सर, अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो 39 मिलियन लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, इनमें से 1/3 यानी कि 15 मिलियन लोग ऐसे हैं जो भारत में हैं। तो आप खुद सोचें कि इसमें ये भी आवश्यक हो जाता है कि हम लोग इस पर बात करें। हम लोग अपने घरों में बैठे हैं, आंखें हैं हमारी बहुत खूबसूरत आंखें हैं, खूबसूरत दुनिया देख रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी ने इस बारे में नहीं देखा कि जिनकी आंखें नहीं हैं उनकी दुनिया कैसी है। तो आज हमने एक प्रयास किया है कि लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कि वो देख सकें कि जब उनकी आंखें बंद हों तो संसार कैसा दिखता है, तो वो उन लोगों की दिक्कतों को महसूस कर सके जिनके पास आंखें नहीं हैं, और मृत्यु के बाद वो अपनी आंखें दान दें और किसी का घर रोशन करके जाएं। जी जी, जीवन का असली मकसद तो यही है कि किसी के अंधेरे को छांट देना और रोशनी दे देना। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। गुरप्रीत कौर, माई सेल्फ गुरप्रीत कौर, असिंदर माई वेरी क्लोज फ्रेंड सिंस लास्ट 25 ईयर्स, तो उसके करके मुझे मौका मिला दोबारा यहाँ पर इसके साथ इस गुड कॉज में आने का। एंड द मैसेज जो ये लोग अटैच हुए हैं यंग जनरेशन से, दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज स्कूल स्टूडेंट के साथ, क्योंकि उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। बड़े लोगों को तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो सबसे बेस्ट मैसेज मुझे ये लगा कि इन्होंने सारे स्कूलों के बच्चों को साथ में इन्वॉल्व किया है, यंग जनरेशन साथ में इन्वॉल्व हो गई है, उनको ये पता चल गया कि आईज़ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि धर्म को लेकर लोगों में शंका है कि अगर आप नेत्रदान करेंगे अंगदान करेंगे तो अगला जन्म दिव्यांग का हो सकता है, इस मिस परसेप्शन को कैसे तोड़ सकती हैं गुरुजी? आई थिंक वो अगेन वही बात कि यंग जनरेशन जो है वो इस धर्म संकट में से निकल चुकी है, साइंटिफिकली उनको बहुत सारी बातें पता हैं कि आईज़ या कोई भी अगर अंग नहीं होगा तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगले जन्म का, उससे कोई लेना देना नहीं है। आल्दो हमारी जनरेशन थोड़ा बहुत बिलीव करती थी, पर अब के बच्चे मोबाइल और टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं वो बिलीव नहीं करते। जी, युवा पीढ़ी तो बिल्कुल ये निश्चित कर चुकी है। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम बीके चड्डा है और मैं डायलॉग हाईवे से जुड़ा हूँ पिछले 1 साल से, तो लास्ट भी हमने यहाँ ऑर्गेनाइज किया और इस साल भी मैं पार्टिसिपेट किया, और मेरा ये संदेश है कि अपनी आंखें दान करो ताकि कोई और देख सके, किसी और को रोशनी मिल सके। जो संदेश यही है, हमारे साथ स्वदेश तलवार जी हैं, इंडियन एक्सप्रेस के जाने माने फोटोग्राफ, और जब भी हम इनको देखते हैं उनके काम को देखते हैं तो कुछ सीखने को मिलता है। जी तलवार साहब, क्या संदेश आप? संदेश जाहिर है कि जो दृष्टिहीन हैं उनकी दुनिया कैसी है हम नहीं जान सकते जब तक हम अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर भी उनके साथ चलते हैं तो घुटन होने लगती है कि कैसे देखते हैं, इनकी सारी ज़िंदगी निकल जाती है। और मैं तो ये कहता हूँ हर आदमी को चाहिए, हमारे देश में 1.5 करोड़ बंदा है जिसकी दृष्टिहीन है, और यदि उनमें से जितने लोग हमारे रोज़ अपने प्राण दान दे रहे हैं जाने से पहले, उनके 1% भी लोग यदि दे दें आंखें दे दें, हर बंदा 2 आंखें दे सकता है, 2 आदमी को रोशनी दे सकता है। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा सिर्फ आंखें ही क्यों,
हमारे बाकी अंग भी लोगों के काम आए, बजाय हम उसको आँख में झोंक दें और पोल्यूशन क्रिएट करें। अपने अंगों को दान दीजिए तो पांच छह आदमी को ज़िंदगी मिल सकती है। किडनी है, लीवर है, ऐसी चीज़ें, बोन है, ये सब काम आ सकती हैं। तो हम, मैंने, मेरे परिवार ने, सब ने ये प्लेज किया हुआ है। मैंने तो अपनी बीबी का भी उसके बिना पूछे से साइन करके दे दिया। तो सभी का एक ही संकल्प होना चाहिए कि अपने नेत्रदान और अंगदान करें ताकि समाज में उजाला बढ़ाया जा सके। आप देखते रहिए ब्रॉडकास्ट मंत्रा।